नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ के ऊपर आप लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इस टॉपिक पर कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाई जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यहां पर अगर ऐसी कोई वीडियो बनाता हूं तो वो थोड़ी सी पार्शियल जरूर नजर आएगी। पार्शियल इन द सेंस, यहां पर आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट के बारे में जहां पर सामने वाली पार्टी चाहे 12 सालों से, चाहे 20 सालों से, चाहे 30 सालों से, चाहे 50 सालों से संपत्ति पर कब्जा करके बैठी हो, इसके बावजूद उनको संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अब आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? क्या प्रतिकूल कब्जा कानून खत्म कर दिया गया है? क्योंकि अगर हम आर्टिकल 65 स्केड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट पर देखते हैं तो वहां पर तो लिमिटेशन टाइम 12 साल दिया है, और अगर कोई टाइम लिमिटेशन मायने नहीं रखती तो इसका मतलब तो प्रतिकूल कब्जा कानून ही खत्म हो गया। जी नहीं दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बड़ी टेक्निकली तरीके से आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद यकीन माने मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट खुद लिख कर जाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आप तुरंत लाइक करके अपना कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर ली जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द लीगल क्लासेस बाय दीपक अंग्रेज के बारे में। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स जो लोग हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं उन लोगों के लिए एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है द लीगल क्लासेस बाय दीपक अंग्रेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो भी लॉ स्टूडेंट है, जो भी लॉ फ्रेश ग्रेजुएटेड है, या फिर जो भी हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट है, इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल लॉ को और डीपली समझना चाहता है, प्रोविजन और जजमेंट को और डीपली एनालाइज करना चाहता है, उन लोगों के लिए मैं लॉ की क्लासेस लेकर आ रहा हूं। अगर आप हमारे साथ वहां पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक में आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, आप हमारे साथ वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ के बारे में। देखिए, अगर आप हमारे लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 27, आर्टिकल नंबर 65 स्केड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट 1963 इन पर नजर डालते हैं तो आपको एक लिमिटेशन टाइम प्रोवाइड कराया गया है। लिमिटेशन एक्ट का मतलब यह है कि किसी केस को फाइल करने के लिए, किसी लीगल एक्शन को लेने के लिए एक लिमिटेशन टाइम दिया गया है, एक टाइम लिमिट दी गई है, वो हमें लिमिटेशन एक्ट में बताई गई है। अगर इसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा कर रखा है, कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर बिना आपकी परमिशन लिए जबरदस्ती घुसकर रह रहा है, तो जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसके लिए टाइम लिमिटेशन दी गई है, वो है 12 सालों की। 12 सालों के भीतर संपत्ति के असल मालिक को उस कब्जाधारी को बाहर निकालने के लिए उसके अगेंस्ट लीगल सूट दाखिल करना पड़ेगा। इसको कहा जाता है लिमिटेशन एक्ट, जो आर्टिकल 65 स्केड्यूल 1 में हमें 12 सालों का दिया गया है। अब इसको गलत तरीके से लॉ में इंटरप्रिटेट करके लोगों को बताया जाता है। वो कैसे? लोगों को कहा जाता है कि कानून ये कहता है कि 12 साल तक कब्जा करो और मालिक बन जाओ। जी नहीं, कानून ये कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी पर 12 सालों तक एक्शन लो। अगर आप 12 सालों तक एक्शन नहीं ले रहे, मतलब कि आप लापरवाही बरत रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, और इस टाइम लिमिटेशन के पूरा होने के बाद आप उस प्रॉपर्टी पर अगर क्लेम करने जाएंगे कि इस पर मेरा हक है, तो सामने वाली पार्टी जिसने कब्जा जमा कर रखा है वो इस लिमिटेशन एक्ट के तहत आपको बाड़ कर सकती है। बाड़ मतलब आपको केस करने से वहां पर रोक सकती है। 611D की मैं बात कर रहा हूं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की। नाउ, अब दोस्तों, लोगों के मन में ये मेंटेलिटी अब बन चुकी है कि भाई अगर कोई 12 सालों से कब्जे में है, 15 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से कब्जे में है, तो हमारी प्रॉपर्टी तो हाथ से चली गई। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप मेरी ये पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखने के बाद मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि चाहे एक इंसान ने 12 सालों से कितने भी लंबे समय से कब्जा कर रखा है, 15, 20, 25, 30, कितने भी तरीकों से, अगर जो मैं टेक्निक्स आपको वीडियो में बता रहा हूं उन टेक्निक से आपने अपना केस फाइल करके लड़ा, तो कभी आप एडवर्स पोजेशन का केस हार ही नहीं सकते।
आप हमेशा अपने पक्ष में केस को लेकर आएंगे और उस कब्जाधारी को बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हैं तो मैं समय समय पर आप लोगों के लिए लैंडमार्क जजमेंट भी लेकर आया हूं, जहां पर 60 सालों से 40 सालों से लोगों का कब्जा था, इसके बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने संपत्ति के मालिक के पक्ष में ही फैसला सुनाया। इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो को आप जरूर लाइक करके शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके मैं डेली मात्र 10 से 15 मिनट लेता हूं, पर जो टेक्निकली चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाता हूं आपके लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होती है। नाउ अब हम बात करते हैं उस सिचुएशन में जब एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर 12 सालों से ज्यादा कब्जा कर रखा है, चाहे वो कितने सालों तक हो। हम मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं लेते, हम मिनिमम टाइम लिमिट ले रहे हैं 12 साल, कि 12 साल से ज्यादा कब्जा कर रखा है। अब अगर कल को वो कोर्ट में केस दाखिल कर रहा है, क्योंकि अब आपको मैं बता दूं जजमेंट क्या कहती है रेलिवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, कि सूट फॉर डिक्लेरेशन सेक्शन 34 में जाकर वो एडवर्स पोजीशन से अपने आप को ओनर बना सकता है। नाउ अगर सामने वाली पार्टी प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन ले रही है, यानी कि अपने आप को एडवर्स पोजीशन से मालिक बताना चाह रही है, तो कौन कौन से रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे जो उनको कोर्ट में साबित करने पड़ेंगे, ये डिस्प्ले पर एक एक करके मैं समझा देता हूं। इसके बाद एक रेलिवेंट जजमेंट बताऊंगा, फिर आपको टेक्निक्स बताऊंगा। प्लीज बड़ी ध्यान से वीडियो को यहां से देखिएगा। देखिए डिस्प्ले पर अब आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, बड़ी ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट आता है जो प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा कर रखा है वहां पर उनको यह दिखाना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। इसी चीज से रिलेटेड में एक लैंडमार्क जजमेंट भी लाया था, जहां पर सामने वाली पार्टी का 40 साल तक कब्जा था पर वो किसी को ओनर ही नहीं बता रही थी। कोर्ट ने वहां पर उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, प्रॉपर्टी के रियल ओनर के पक्ष में फैसला दे दिया। तो सबसे पहली चीज आती है प्रॉपर्टी के ओनर को साबित करना कि यहां पर कौन है। दूसरा टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, यह दिखाना कि जो डॉक्यूमेंटेशन की बात आ रही है प्रॉपर्टी की, टाइटल ओनरशिप की बात आ रही है, वो किसके फेवर में है। तीसरा पॉइंट दिखाना पड़ता है कोर्ट में हु इज इन द पोजेशन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स, कि जो प्रॉपर्टी के टाइटल के डॉक्यूमेंट्स है वो फिलहाल में किसके फेवर में दिखाई जा रहे हैं, किसके कब्जे में है। फोर्थ आइडेंटिफाई ऑफ द क्लेमेंट एंड क्लेमेंट टू पोजेशन, की जो प्रॉपर्टी में क्लेम कर रहा है, जो कोर्ट में आकर क्लेम कर रहा है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, क्या वो पोजेशन होल्डर है, कोहियर है, कोई अदर फैमिली मेंबर है, और उसका पोजेशन पर किस हिसाब से क्लेम है, क्या वो एडवर्स पोजेशन है, इलीगल पोजेशन है, वो सारी चीजें। इसके बाद आती है डेट ऑफ एंट्री इनटू पोजेशन, यानी कि जिस तारीख से वो कब्जे पर बैठा है वो चीज उसको वहां पर साबित करनी पड़ती है कि इस तारीख के आसपास में कब्जे में आ गया था। हाउ ही केम इनटू पोजेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो प्रॉपर्टी के कब्जे में किस तरीके से आया, क्या वो वहां पर उसको गिफ्ट मिली है, क्या उसने खरीदी है, या उसकी इनहेरिटेंस के तौर पर मिली है, या फिर उसको परमिशन दी गई थी रहने के लिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अगर किसी को परमिशन दिया तो वो कभी ओनर बन ही नहीं सकता, वो तो परमिसिव पोजेशन में आ जाएगा। अगला पॉइंट, अगर उसने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया 1%, तो क्या वहां पर कंसिडरेशन यानी कि बदले में पैसा दिया गया था, या फिर उसने उसको रेंट पर लिया हुआ था, लीज लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत लिया हुआ था, ये लाइबिलिटी दिखानी होगी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अगर कोई रेंटर है, कोई लीज लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर है, तो वो कितने भी लंबे समय से कब्जा हो उसको केयर टेकर और टीनेंट की तरह ही देखा जाएगा, उसको मालिक नहीं बताया जाएगा कब्जे के तहत। अगला पॉइंट, अगर उसने उस चीज को रेंट लाइसेंसी फी लीज के तहत लिया, रेंट डीड लीज डीड ये सब बनाई है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो यहां पर कब्जे में है, जो व्यक्ति अपने आप को कब्जाधारी बता रहा है, या फिर वो वहां पर जो रह रहे हैं वो किस कैपेसिटी से रह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो टीनेंट है, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, उनके नोन है, उनकी परमिशन से है, किस कंडीशन में, किस लाइबिलिटी से रह रहे हैं, किस कैपेसिटी से रह रहे हैं, ये पॉइंट भी वहां पर दिखाने पड़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये कि क्या कोई ऐसी स्थिति बनी थी जिसके चलते वहां पर कब्जा किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हर किसी सिचुएशन में नहीं आएगा, ये कुछ लिमिटेड कंडीशन में होता है, जैसे कि किसी को परमिशन दे दी वो आकर रहने लग गया, परमिशन क्यों दी, उनके किसी कमाने वाले फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, हमने दया भावना रखते हुए उनको रहने दिया, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया, उसके बाद हमने एक्टिविटी क्या रखी, क्या उनसे मेल जोल रखी, ये सारी चीजें वहां पर दिखानी पड़ती है। आखिरी पॉइंट आता है बेसिक ऑफिस क्लेम डेट नॉट टू डिलीवर पोजेशन बट कंटिन्यू इन पोजेशन, कि यहां पर उसको कोर्ट में यही दिखाना पड़ता है कब्जाधारी की हम बात करें कि वो कंटिन्यू पोजेशन में था 12 साल 15 साल 20 साल और उसको पोजेशन डिलीवर नहीं किया गया, उसने आकर खुद किया था। ये सारे रेलिवेंट पॉइंट है जो सिचुएशन में है, ये ध्यान दें, जरूरी नहीं है सातों सातों आठों आठों पॉइंट साबित करने पड़े, ये सिचुएशन के हिसाब से है। जो सामने वाली पार्टी अगर मान ली टीनेट दिखा रहा है तो नीचे के पॉइंट आ गए, खुद को कुहियर दिखा रहा है तो ऊपर के पॉइंट आ गए, पोजेशन होल्डर दिखा रहा है तो रेंट ऊपर के तीन चार पॉइंट्स आ गए, वो सारी चीजें उसी हिसाब से रेलिवेंट होगी जो केस टू केस के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर आप लोग परेशान हैं, मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं कि हमारी सिचुएशन में क्या होगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली भी मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपका केस समझ के आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा कि आप यहां पर किस तरीके से केस अपने फेवर में कर सकते हैं। नाउ ये सारे पॉइंट समझने के बाद अब आपके साथ एक रेलिवेंट जजमेंट डिस्कस कर लूं, बहुत आप लोगों के लिए काम आएगी। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा, प्लीज जजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। जजमेंट का नाम था राधे श्याम पाठक वर्सेस कन्हैया गोंड,
सेकेंड अपील नंबर 49 of 2011 और 13 जुलाई 2021 को जजमेंट पास की गई थी। देखिए यहां पर तीन चीजें एसेंशियल बताई गई थी जो एडवर्स पोजेशन में दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज डिस्प्ले पर देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आता है नेक भी, जिसका मतलब है विदाउट फोर्स, कि जो कब्जा किया गया है बल का प्रयोग करके ना किया हो, डरा धमका कर ना किया हो। दूसरा नेक क्लाइम, मतलब कि छिप छिपा कर कब्जा ना किया गया हो। तीसरा आता है नेक प्रिकैरियो, जिसका मतलब बिना परमिशन के कब्जा हो। अगर ये तीनों पॉइंट कब्जाधारी नहीं साबित कर रहा तो उसका कितना भी पुराना कब्जा हो वो कभी भी खुद को संपत्ति का मालिक नहीं बता सकता। तीन पॉइंट कि बिना छुप छुपा कर कब्जा हो, मतलब कि ऐसा ना हो लोगों से छिपकर कब्जा किया, 12 साल होकर वो कह रहा भाई मेरा कब्जा है। दूसरा पॉइंट आता है कि वो फोर्सफुली ना किया गया हो। तीसरा पॉइंट आता है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसकी परमिशन से ना रह रहा हो। ये तीनों पॉइंट साबित करने एक कब्जाधारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 20 सालों से हो, 25 सालों से हो। अगर इन पॉइंट्स को साबित नहीं कर रहा कभी भी अपने पक्ष में वो केस को नहीं ले सकता। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लो, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछते हैं। मैं नहीं चाहता कि अगर रिपीटेड आपके क्वेश्चन है तो आप अपना एक रुपया भी इस तरीके से वेस्ट करें। देखिए जजमेंट का नाम था कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 2004 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, नॉन यूज ऑफ प्रॉपर्टी बाय द ओनर, अगर प्रॉपर्टी का रियल ओनर प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर रहा लंबे समय से तो इस चीज से उसका प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं छीनने वाला। हाँ अगर इसी बीच कोई दूसरा व्यक्ति आकर प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाता है और अपने अधिकार जताता है तो उस चीज से उसका मालिकाना हक छीन जाएगा। दोबारा से समझाता हूं, मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी का मालिक है जो 25-30 सालों से प्रॉपर्टी पर अपना आई जा नहीं रहा, इसी बीच एक कब्जाधारी आकर 7-8 साल से कब्जे पर है, तो वो ये नहीं कहेगा सर 30 सालों से प्रॉपर्टी के मालिक को कोई लेना देना नहीं था। जी नहीं, जितना आपका पोजेशन है उतने तक आपको मतलब रखना है। इस चीज से आपको मतलब नहीं है कि प्रॉपर्टी के रियल ओनर ने कितने सालों तक अपनी संपत्ति से मतलब नहीं रखा। यह चीज बहुत लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई है, जिसके बाद प्रतिकूल कब्जा करने वालों के हौसले और कमजोर होते चले गए हैं। अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक और महत्वपूर्ण जजमेंट वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर कर लूं, फिर एक दो टेक्निक्स आपको बताऊंगा, बड़ा बेनिफिट होगा। देखिएगा केस टाइटल है दोस्तों, डिस्प्ले पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, टी अंजनप्पा एंड अदर वर्सेस सोनलंका एंड अदर्स, 2006 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, इट इज वेल रिकॉग्नाइज प्रोपोजिशन इन द लॉ, कि कानून में यह चीज साफ स्पष्ट है कि मेयर पोजेशन की सिर्फ कब्जा कर लेना however long does not, चाहे वो कितने लंबे समय से हो, does not necessarily mean that it adverse to the true owner, उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो property के real owner के adverse में हो गया, मतलब कि hostile में हो गया वहां पर जाकर। requirements of proving adverse possession have not been established if the defendant are not sure who is the true owner। अब कई बार लोग क्या कहते हैं अपने क्लेम में करते हैं कि हमें नहीं पता कौन ओनर है पर हमारे 15 सालों से 20 सालों से कब्जा है। जी नहीं, Until and unless आपको यही नहीं पता प्रॉपर्टी का ओनर कौन है तो आप उसके कैसे एडवर्स में जाकर क्लेम कर सकते हैं। ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है। वैसे तो इससे रिलेटेड एक और जजमेंट आई थी जिसमें इसको ओवररूल माना गया था कि ये जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी का रियल ओनर कौन है, अगर आपका 12 साल कब्जा है आप स्टिल क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जजमेंट समय समय पर आती रहती है, हर 2-3 महीने में एक बड़ी जजमेंट आ जाती है एडवर्स पोजेशन से रिलेटेड, वी ऑल नो दैट, क्योंकि मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। पर इस तरीकों से डील कैसे किया जाए ये टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, बड़ी ध्यान से देखिए। देखिए 5 एसेंशियल पॉइंट्स हैं एडवर्स पोजेशन के लिए। पहला कि जो कब्जा है वो ओपनली होना चाहिए, ओपनली मतलब पब्लिक नॉलेज में। अब दोस्तों सामने वाली पार्टी 25 सालों से कब्जे में है, अंटिल एंड अनलेस वो ये साबित नहीं कर पा रही कि मेरा कब्जा ओपनली है, अड़ोसी पड़ोसी की नॉलेज में है, तो वो ये कभी साबित ही नहीं कर पाएगी कि मेरा कब्जा ओपनली था और आपको इससे बेनिफिट हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रखकर अपने फेवर में ले सकते हैं, जैसे कि अड़ोसी पड़ोसी हैं, अंटिल एंड अनलेस वो उनके फेवर में गवाही नहीं देंगे, आपके पक्ष में दे देंगे कि हमें तो पता ही नहीं था यहाँ कौन रहता है, तो ये चीज साबित हो जाएगी कि कब्जा कभी ओपनली था ही नहीं और उसने छिप छिपा कर करा, ये पॉइंट आपके फेवर में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो कब्जा होगा वो कंटिन्यू होना चाहिए, वो कौन साबित करेगा, वो जो कब्जाधारी है वो करेगा। पर ध्यान दे कभी भी कोई कंटिन्यू कब्जा साबित नहीं कर पाता, वो कैसे साबित होता है, अपने आसपास के विटनेस को बुलाता है। तो अगर इन चीजों पर आप ध्यान दें, ये चीज साबित ही ना होने दे, कब्जा है कोर्ट में कह दें कि सर चलो कब्जा है पर इनको तो 5-6 साल हुए, कौन कह रहा है इनको इनका लंबा समय हुआ है, और अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा साबित करना। तीसरा पॉइंट, होस्टाइल एनिमस, ये सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताता आ रहा हूं, प्लीज ध्यान दें। देखिए हॉस्टाइल एनिमस का मतलब होता है कि जो कब्जा किया गया है वो प्रॉपर्टी के रियल ओनर के एडवर्स में हुआ है, ना कि उनकी परमिशन से। अब सिंपल सी आपको क्या चीज दिखानी है कि भाई हाँ ये लोग 40 साल से कब्जे में है पर हमारे दादा ने हमारे पिता ने इनको खुद परमिशन दिए रहने की, क्यों भाई गरीब लोग थे मजबूर लोग थे इसीलिए तो हमने परमिशन दी।
अब सामने वाली पार्टी परेशान हो जाएगी, ये चीज साबित नहीं कर पाएगी कि आप लोगों ने परमिशन नहीं दी। इस बीच आपको रेलिवेंट एविडेंस दिखाने हैं परमिशन के, जो दिक्कत ही नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी तो जानते होंगे, उनके आपको उनसे कहलवा दे, सर ये तो इनके घर आते जाते रहते हैं। तो ये चीज साबित हो जाएगी कि जब हम इनके घर आते जाते हैं तो हॉस्टाइल तो है ही नहीं, हम परमिशन दे रहे हैं तभी तो हम अपनी प्रॉपर्टी में घूमने आ रहे हैं। इस तरीके की टेक्निकली चीजों में उनको फंसा दें ताकि वो रेलिवेंट जजमेंट आपके पास आ जाए, प्रोविजन आपके पास आ जाए, और इस चीज को वो साबित भी ना कर पाए, और इन द एंड आप केस अपने फेवर में ले लें। इसके बाद ध्यान दें, जो इंसान कब्जा कर रहा है मतलब कि उसकी नियति ऐसी है, उसने और भी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, हो सकता है उसके ऊपर कोई FIR दर्ज हो, अभी इस चीज का फायदा कैसे उठाए। देखिए कोर्ट कहता है एडवर्स होना चाहिए पोजेशन, इलीगल नहीं होना चाहिए, किसी पर दबाव बनाकर कब्जा नहीं ले सकते। तो आप सीधा एक क्लेम कर लें कि सर हमें पता है इनका कब्जा था, पर हमें तो जान से मारने की धमकी दे रखी थी, ये तो इस तरीके के लोग हैं, रेलिवेंट हम आपको दिखाएं, इन पर तो ऑलरेडी कितनी FIR दर्ज है, तो हमें भी इसी तरीके से धमकी दी गई थी। इस बीच अगर इन लोगों का आपके साथ और कोई वाद विवाद हो रखा है जिसकी कंप्लेंट FIR आप दे चुके हैं, वो आपके लिए रेलिवेंट हो जाएगी। उनका अगर किसी और से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उनको विटनेस में बुला लें कि सर ये सबसे लड़ते झगड़ते हैं, प्रॉपर्टी में ऐसा कब्जा करते हैं, हमारे साथ भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये चीज आप उनके अगेंस्ट में दिखा देंगे। और जब पोजेशन एडवर्स ना होकर इलीगल होगा तो वैसे भी वो एडवर्स पोजेशन में काउंट नहीं होगा। ये सारी चीज आप लोग अपने फेवर में कंक्लूड करा सकते हैं। वैसे तो टेक्निक्स और भी होती हैं, मैं ओपनली नहीं बोल सकता, रीजन ये है उससे सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है जो मैं नहीं दिखाना चाहता। हाँ ये बात सच है कि हम इलीगल पोजेशन के अगेंस्ट में है बिकॉज लॉ भी उसकी मान्यता नहीं देता। तो ये सारी टेक्निक्स और ज्यादा टेक्निकली तरीके से एक अच्छे एडवोकेट की गाइडेंस के थ्रू आप अपने फेवर में ले सकते हैं और अपने केस को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि वो कितने सालों से कब्जे में क्यों ना हो, वो उसका ओनर बनेगा ही नहीं। क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने क्लियर किया था कि कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, अगर एसेंशियल पॉइंट जो मैंने बताए थे नेक वी नेक क्लेम नेक प्रिकैरियो वहां पर नहीं है तो वो कब्जा एडवर्स नहीं माना जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो का आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर देकर रखा है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।